उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि सभी पार्टियां धरातल पर अपनी मजबूती में लगी हुई हैं, जिसको लेकर बरेली पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम की विशेष तैयारियों के लिए पार्टी पदाधिकारियों को लगा दिया गया है। साथ ही सरकार के मंत्रियों को भी नगर निगमों और नगर पालिकाओं में जिम्मेदारी सौंपी गई है। उससे पहले जो भी संगठनात्मक कार्यों की गतिविधियां हैं, उनके लिए रूपरेखा तैयार कर ली गई है। वहीं उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले होमवर्क तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए मंथन चल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने विश्वास जताते हुए कहा कि इस बार भी निकाय चुनाव में मेयर, चेयरमैन और पार्षद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आएंगे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने शहर में रुके सभी विकास कार्यों को जल्द पूरा कराने को कहा। इस दौरान भूपेंद्र सिंह चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी में होने वाले चुनाव में अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। साथ ही बदायूं में हुई 3 हत्याओं के मामले में उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानून स्वतंत्र है, चाहे आरोपी समाजवादी पार्टी का हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पहले सरकारें अपराधियों को बचाने का काम करती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपराध को मिटाने का काम कर रही है। पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों को विशेष तैयारी के लिए अपने पार्टी के पदाधिकारियों को और सरकार के माननीय मंत्रियों को नगर निगमों में और नगर पालिकाओं में काम दिया है। उससे पहले जो भी संगठनात्मक काम है, उन संगठनात्मक काम की गतिविधियों के लिए हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, जिन लोगों को दायित्व दिया गया है, वो सब लोग पूरी तैयारी के साथ हम लोग लग रहे हैं। जैसे अधिसूचना जारी होगी, अधिसूचना जारी होने के बाद तुरंत हम लोग होमवर्क कर लिया, हम लोगों ने प्रत्याशी घोषित करके चुनाव मैदान में आएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी नगर निकायों में अधिकांश मेयर, चेयरमैन, सभासद के चुनाव जीतेगी। अखिलेश यादव जी का जो स्वभाव है, उस स्वभाव में सहज पराजय स्वीकारने तैयार नहीं है। वो 4 चुनाव हार चुके हैं, विधानसभा के 2 और लोकसभा के 2, लेकिन उन सारे विषयों पर आकलन नहीं करेंगे। घर, परिवार, पार्टी, गठबंधन, इन सारे विषयों पर वो नहीं सोचे। पहले वो EBM पे आरोप लगाते थे कि साहब EBM में गड़बड़ हो गई। अब कहीं ना कहीं चुनाव में पराजय उनकी सुनिश्चित है और इसका आभास उन्हें भी है। मायावती जी भी पहली बार निकाय चुनाव में आ रही हैं, इससे पहले कभी नहीं लड़ती थी पार्टी? नहीं, बसपा पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, ऐसा नहीं है। इस बार सभासद तक जाने की, अब ये उनका निर्णय है, स्वागत है, सब लोग लड़े। लोकतंत्र में सबको अपना एजेंडे के साथ जनता के बीच में जाने का अधिकार है। तो मेरी ओर से शुभकामनाएं, सबको लड़ना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक संकल्प के साथ चुनाव लड़ती है। हम अपनी बात कहेंगे, हमने जो काम किए हैं, हमारा जो एजेंडा, हम उसको भी लेकर जनता के बीच में जाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो उनका है वो लेकर जाएंगे।